शेख अब्दुल्ला की आज 115वीं जयंती है। शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक अब्दुल्ला परिवार की सियासत करने का तरीका नहीं बदला, लेकिन कश्मीर जरूर बदल गया है। आज इस रिपोर्ट में बदले हुए कश्मीर की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की 115वीं जयंती का मौका खामोशी से गुजर गया। शेर कश्मीर के मजार पर ना तो कश्मीरी आवाम की भीड़ उमड़ी, ना कोई बड़ा जलसा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने शेख अब्दुल्ला की मजार पर फातिहा पढ़ने की रस्म निभाई और रुखसत हो गए। श्रीनगर में हजरत बल के पास नसीम बाग में फारूक और उमर अब्दुल्ला कब आए कब गए, कोई पूछने वाला भी नहीं रहा। कश्मीर बदल रहा है। पिछले 16 महीनों से बदलाव की ये लहर कुछ ज्यादा ही तेज है। डीडीसी चुनाव में वोटरों की लंबी लंबी कतारें इस बदलाव का सिग्नल दे रही है। इस लहर में सबसे ज्यादा कुछ बदला है तो वो है शेर कश्मीर की विरासत। शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक विरासत पर दावा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले इन चुनावों से अलग रहने का संकेत दिया था, फिर 6 अन्य पार्टियों के साथ मिलकर उसने चुनाव में उतरने का फैसला किया। जीत अब भी दूर की कौड़ी दिख रही है। कश्मीर में एक दौर ऐसा भी था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में था। ये वो वक्त था जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे और विपक्ष के नाम पर सिर्फ कांग्रेस, वो भी बहुत कमजोर। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज 70 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर पा रही है। चुनाव तो दूर, धारा 370 जैसे मुद्दे पर भी बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूसरे राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। कश्मीर कभी शेख अब्दुल्ला के इशारों पर चलता था, उनकी एक आवाज पर घाटी में सन्नाटा छा जाता था, लेकिन आज कश्मीर का मूड बदल गया है। कश्मीर शेख अब्दुल्ला की खानदानी विरासत को अपने कंधों पर और ढोने को तैयार नहीं है। कश्मीर अब किसी एक नेता के इशारों पर नहीं चलता, कश्मीर अब अपने हिसाब से चलता है। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला और उनके बाद उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर पर अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों ने राज किया। केंद्र सरकार के साथ अब्दुल्ला परिवार के रिश्ते कभी गर्म कभी नरम बने रहे, लेकिन कश्मीर की आवाम पर अब्दुल्ला परिवार की पकड़ हमेशा रही। कहते हैं कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का साथ लिया था और शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से संविधान में धारा 370 जैसे प्रदान जोड़कर अपनी अलग अलग पहचान बनाई रखी। लेकिन बदले हुए दौर में आवाम को ना तो पुरानी कहानियों पर यकीन है, ना अब्दुल्ला परिवार पर पहला जैसा भरोसा है। क्या डीडीसी चुनाव कश्मीर को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या शेख अब्दुल्ला की विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे दिन अब कभी नहीं आएंगे? जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे डीडीसी चुनावों में लोगों का खुलकर बाहर आना और अपने वोट का इस्तेमाल करना क्या जम्मू कश्मीर में एक बड़े बदलाव का इशारा है? श्रीनगर में इंडिया टीवी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात करके यही जानने की कोशिश की कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी विरासत खो रही है। जो सारी जो मेन स्ट्रीम में सारी जमातें इकट्ठे हो गई, एक अलायंस का या आवामी इत्तेहाद का क्याम अमल में आया, तो उस वजह से जाहिर सी बात है कि लोग भारी अक्सरियत में बाहर आए वोट डालने के लिए। और सबसे ज़्यादा ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको एक रेफरेंडम के तौर पर पेश किया। आप देखिए क्या किसी डीडीसी चुनाव में किसी भी जगह इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स एकदम आ जाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट एक्चुअली करते हैं। ये तो बसी हुई है, रघुजान में बसी हुई है, बोन में, बिल्कुल कैसे हो सकता है? नेशनल कांग्रेस का मतलब है यहाँ की तारीख जिस्म जान में बसी है कश्मीरी कौम के, कैसी बात करते हैं? 16 महीने पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आजादी मिली थी। कश्मीर की सभी पार्टियों के लिए वह ऐसा झटका है जिससे उबरने का कोई रास्ता उनको अब तक नहीं मिला है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी कश्मीरी पार्टियां धारा 370 की बहाली का सब्ज बाग दिखाती हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है इस पर खामोशी रह जाती है। पृथ्वी का स्वर था, ये अच्छी बात है। जमहूरी अमल में शमूलियत होना, हम हमेशा इसके जो है दावेदार रहे हैं, इसके हम कहा रहे हैं। हमने कोशिश भी की है कि जब से यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ कि अपने वोट के हक से ही हम अपनी जो है राय दहिंदगी का इजहार कर सकें। हम अगर मुखालफत भी करना चाहें तो अपने वोट के जरिए करें। वही आज जो है हम इसमें खुशी की बात है कि लोग हमारे जो है कायद फारूक साहब की जो एक कोशिश रही है कि इकट्ठे होके एक ग्रैंड लाइंस बन के लोगों के पास गए हैं। बदलाव का जहां तक ताल्लुक है वो एक अलग चीज़ है। इन इलेक्शंस में बेसिकली ये इलेक्शंस डेवलपमेंट के लिहाज से किए जाएंगे, क्योंकि जो DDC है उनका मैंडेट जो है डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के अलावा नहीं होगा। पूरा उम्मीद थी कि हम लोग शायद बाइकॉट करेंगे और वो वॉक ओवर लेंगे इन इलेक्शंस में। उनकी उस उम्मीद पे पानी फेर गया जब हम सब इकट्ठे मिलके इस चुनाव में आए हैं। ये तो इलेक्शन के नतीजे के बाद ही बात करेंगे, ये कबलज़ वक्त होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी तजिया करना ये बहुत कबलज़ वक्त होगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे DDC चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जीत का यकीन फिर भी नहीं है। अगर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट चुनाव जीत भी जाता है तो वो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि गुफकार एलएनएस की मानी जाएगी। ऐसे में बदले हुए इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजूद और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विरासत पर खतरा मंडला रहा है। शेख अब्दुल्ला ने अपने जीवन का लंबा हिस्सा जेल में बिताया था। 11 साल तक पंडित नेहरू ने भी शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा। उनकी सरकार को बार बार बर्खास्त किया गया, फिर भी शेख अब्दुल्ला का नाम कश्मीरियों की जुबान पर कायम रहा। 1982 में उनके निधन के बाद फारूक अब्दुल्ला राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन फारूक और उमर अब्दुल्ला की आराम पसंद जिंदगी किसी भी एंगल से शेख अब्दुल्ला की बराबरी नहीं कर पाती। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अब कश्मीर के एक नेता पर है, वैसे ही जैसे कहीं दूसरे नेता है। कश्मीर की आवाम ने बाप बेटे को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वारिस के रूप में ना तो देखा है और ना ही आंख मूंद कर उनकी बातों पर यकीन करती है। रोशनी एक्ट जैसे कानून के सहारे ज़मीन पर कब्जे के आरोप लगने के बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के परिवार और पार्टी की ओर किरकिरी हुई है। कश्मीर घाटी में आया ये बदलाव केंद्र सरकार के लिए एक मौके की तरह है जिसे वे गंवाना नहीं चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान कहां चले बम के गोले, हैरान करने वाली तस्वीरें ब्रेक के बाद।